नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए एक प्राइवेट बैंक है और एक छोटा सा बैंक भी है। अराउंड अराउंड छोटा मतलब फिर भी 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्केट कैप उसका देखने को मिला। तो इस बैंक ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर आज के दिन एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला है। तो कौन सा वो न्यूज है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और आप नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको कौन सा स्टॉक के ब्रेकआउट लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उसका मैं डिटेल्स वहाँ पे डालता रहता हूँ, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा रिटेल पब्लिक के इस कंपनी का फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि देखिए अगर मैं पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास कितना 40% तो होल्डिंग था, आज कितना है 36% के आसपास होल्डिंग है। और FIs के पास कितना होल्डिंग है, 13% होल्डिंग था, आज वो बढ़ा के 19% होल्डिंग कर चुके हैं। DS के पास 4.5% के आसपास होल्डिंग था, आज बढ़ के हो गया 9.5% के आसपास। गवर्नमेंट के पास 5.5% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो गया 4.5% के आसपास। साथ ही साथ पब्लिक के पास भी देखिए 36.59% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो गया 30.02% के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मतलब पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जब कंपनी में ग्रोथ तो पोटेंशियल बढ़ते हैं तब इंस्टीट्यूशन खुद वहाँ पे खुद का हिस्सेदारी बढ़ाए जाते हैं, मतलब बढ़ाते रहते हैं। अगर कंपनी में ग्रोथ तो पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है और छोटा सा कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब है क्या इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? तो भरोसा करने के लिए कंपनी का कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको देखना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स है कंपनी का इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट। देखिए, क्वार्टर का रिजल्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट के अंदर ही सब कुछ छुपे हुए होते हैं कि इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और पिछले सालों में क्या किया था, पिछले क्वार्टर में क्या किया था, सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है। तो लाखों से देखा जाए तो करोड़ों में कन्वर्ट में कर दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम है वो Q3 मतलब इस बार का रिजल्ट, सेकेंड जो कॉलम है वो Q2 पिछले बार का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो Q3 पिछले सालों का रिजल्ट। तो इस बार कंपनी ने टोटल इनकम क्या किया? देखिए, इनकम के मामले में बात करूँ कंपनी का जो टोटल इनकम आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट इनकम से, साथ ही साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनकम से, इस दोनों से कंपनी का सबसे ज़्यादा इनकम आते हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक से जो इंटरेस्ट उसको मिलता है उससे भी कंपनी का इनकम आते हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो टोटल इनकम है, मैं आपको यहाँ पे करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो करीबन 7,600 मतलब सॉरी 7,064 करोड़ का, और पिछले बार कितना था करीबन 6,530 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था 5,100 करीबन करीबन 200 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कंपनी में इस तरीके से इनकम हुआ, इनकम का ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में देखने को मिला, अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ। अभी देखने हैं कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब खर्चा खर्चा कितना कंपनी ने किया। करीबन यहाँ पे जो फिगर आउट है 5,803 करोड़ के आसपास, पिछले बार था कितना, पिछले बार था 5,362 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में कितना था 4,428 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए इनकम जिस तरीके से फर्स्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला है उस तरीके से एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में लेके तो रखा है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस हुआ है। अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितना है वो खर्चे को माइनस करके उसके बाद कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आते हैं, नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इस चीज को देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ तो करीबन करीबन 604 करोड़ के आसपास, पिछले बार कितना था 555 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में कितना था 280 करोड़ के 81 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो धमाका हो चुके हैं। पिछले सालों से देखा जाए तो कंपनी करीबन करीबन 3 गुना प्रॉफिट जम कर चुके हैं, 3 गुना। तो इतना तक तो ठीक ठाक था। अभी जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। आप कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस तो देख चुका हूँ, सब कुछ तो ठीक ठाक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है प्रोविजन में। देखिए प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोविजन अगर कंपनी ने कम नहीं किया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए बैंक के हाथ में 5 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ अगर उन्होंने मार्केट में लोन के हिसाब से बांट, मान के चलिए लोन के हिसाब से बांट के रखा है, उनमें से अगर मान के चलिए कंपनी के पास 1 लाख करोड़ वापस नहीं आया, लोन वापस नहीं आया, तो वो बैंक तो डूब जाएगा ना। तो सेम टू सेम उसको बोला जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन कितना आया हाथ में तो वो देखना है। तो प्रोविजन अभी कितना है, 45,000 है, 45,000 नहीं, एक्चुअली मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ तो 450 करोड़ के आसपास, पिछले बार था कितना 424 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 391 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखने को मिला, मतलब सॉरी प्रोविजन जो देखने को मिला वो इस बार पिछले दो बारों की तुलना से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कंपनी को कम होना चाहिए था। तो फिर भी कंपनी का एनपीए देखना है। एनपीए क्या बता रहा है, तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आपको बता रहा है कि इस बार 1.03% है, पिछले बार 1.09 था, पिछले सालों में 1.74 था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला। तो कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक ही है, रिजल्ट अच्छा खासा ही आया हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी ने रिटेल बैंकिंग से किस तरीके से पैसा उठा पाए वो आपको देखना चाहिए। रिटेल बैंकिंग मतलब मान के चलिए करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में लोग जो पैसा रखते हैं उसी पैसे को रिटेल बैंकिंग के हिसाब से देखा जाए कितना पैसा वो यहाँ पे रखे हुए है, वो यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा। मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिटेल बैंकिंग के हिसाब से, तो कंपनी के रिटेल बैंकिंग जो है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी 6994 करोड़ के आसपास पैसा उठा है मार्केट से, और पिछले बार कितना था 6316 करोड़ का, पिछले साल में था 4686 करोड़ का। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा उठा चुके हैं रिटेल बैंकिंग के माध्यम से। तो इस सारे पॉइंट्स में आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और निवेश करना चाहते हैं, क्या वो बैंक सही जा रहा है, क्या वो कंपनी सही जा रहा है। अगर उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली डेटा ठीक ठाक है तो एक पॉसिबिलिटी है वो बैंक आज नहीं तो कल आपको धमाका जैसा परफॉर्मेंस देगा। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में डायरेक्ट में बता दूं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब एक अपसाइड में गया था, उसके बाद कोविड के सिचुएशन के बाद भी और 2017 से वो लगातार लगातार गिरावट हो रहा था। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था अराउंड 18 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी खड़ा हुआ और कंपनी जाकर पहुँचा 70 रुपीज़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर यहाँ से फिर से क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस और बिग सप्लाई जोन्स यहाँ पे पहले से ही था। तो सप्लाई जोन्स कहा किसको कहा जाता है, जो लेवल से स्टॉक तेजी से गिरते हैं और कंटिन्यूसली गिरावट होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है, और जिस लेवल से तेजी से भागते हैं उस लेवल को डिमांड जोन कहा जाता है। तो डिमांड जोन और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ बनते हैं और सप्लाई जोन सॉरी डिमांड जोन और सपोर्ट एक साथ बनते हैं और सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस एक साथ बनते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई जोन था और रेजिस्टेंस भी था, इसलिए क्रैश भी हो गया था। और यहाँ पे देखिए जो लेवल बन चुके हैं, हायर लेवल के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद फिर से रीबैक किया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कभी भी कोई भी लेवल्स में आपको इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल अगर आपको दिखे तो उस कैंडल के ऊपर आपको एक ग्रीन कैंडल देखना चाहिए
उसके ऊपर आपको एंटी लेना ले लेना चाहिए एज ए स्विंग ट्रेडर के हिसाब से। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना और 1:3 रेशियो का टारगेट रख कर चलना, अच्छा खासा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए आप रिजल्ट खुद देख लीजिए किस तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिला। तो फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया, मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस को फेस अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इस लेवल से फिर से जाकर खड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।